बाईपास। और दोस्तों ये चालू हो रहा है कैराना बाईपास, ये नीचे से रोड जाएगी, यहाँ से मुजफ्फरनगर पड़ जाता है 56 किलोमीटर। और ये हरियाणा रोडवेज की बस कैराना में से आते हुए आज आपको पूरा कैराना बाईपास की अपडेट दूंगा। कई दिन हो गए, अगले महीने की स्टार्टिंग में आपको शामली बाईपास की भी अच्छी अपडेट आ जाएगी। काम सारा कर दिया गया है। मैंने तो पिछली बार लास्ट बार इसकी जो अपडेट दी थी कैराना बाईपास की पूरी, उसके अंदर हालांकि पूरा काम कैराना बाईपास का कर दिया गया था और उसके साइड में कुछ ना कुछ फिनिशिंग वर्क बचा हुआ था, जैसे लेंस मार्किंग का और स्ट्रीट लाइटनिंग का, तो कुछ ना कुछ फिनिशिंग वर्क बचा हुआ था। अब देखेंगे कि क्या फिनिशिंग वर्क बचा हुआ है या पूरा ही डन है, जैसे पीछे 35 पर डन है। ये देखिए, ये यमुना माँ के अंदर खुदाई करने के बाद ये मिट्टी खनन करके लाई जाती है यूपी के अंदर। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आप गलत कर रहे हो, भाई जो सही बात है वो सही है और जो बुरी बात है वो बुरी बात है। कैराना के अंदर अगर कोई देख रहा है तो सर ये देखिए, ये सारा खनन माफिया है। यमुना माँ के अंदर से ये खोद कर मिट्टी लेके आते हैं और ये देख लीजिए कितना ताकतवर हो चुका है खनन माफिया, खुलेआम खनन माफिया चल रहा है यहाँ पे। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कैराना बाईपास, NHAI ने अपने यहाँ पे पोल्स भी लगा दिए कि कहाँ तक उनकी बाउंड्री जा रही है। आप देख सकते हैं NHAI के पोल्स को भी, तो काम अच्छा खासा हो चुका है यहाँ पे। अच्छा खासा क्या, सारा ही काम डन हो चुका है। पर इस रोड के ऊपर ट्रैफिक बहुत रहता है और ये रोड भी काफी पहले ही चालू हो गई थी, इसी वजह से इस रोड में कई कई जगह पर हल्के हल्के से गड्ढे भी नजर आ जाएंगे, बिल्कुल हल्के हल्के से, जैसे चेहरे पर खरोचिस होती है पतली पतली, वैसे हल्की हल्की सी खरोचिस है रोड के ऊपर। बाकी रोड बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाया गया है। ये देखिए, जब एक बड़ा हाईवे डेवलप होता है तो उसके साथ इस तरीके की चीज़ें साथ के साथ बनती जाती है। अब ये एक ताऊ है जो यहाँ पर काम कर रही है, देखिए सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं और सिक्योरिटी का भी इंतजाम किया गया है, आप देख ही सकते हैं कैमरा भी लगा दिया गया है। ये फिनिशिंग वर्क की मैं बात कर रहा था, ये फिनिशिंग वर्क अब हो चुका है यहाँ पे। देखिए एम्बुलेंस जाते हुए, वरना पहले क्या पॉसिबल था पानीपत से शामली, अब आप एक घंटे के अंदर अगर इस एम्बुलेंस की स्पीड से, जिस स्पीड से एम्बुलेंस गई अगर इस स्पीड से आप चलें तो आप एक घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं मजे में, वरना पहले दो घंटे से पहले तो कोई मजाल ही नहीं। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ईजी हो गया, ये देखिए सामान जाता है यहाँ पे, आसपास जो टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज थी उनमें बहुत ईजी हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, बहुत फर्क पड़ गया, आगे पीछे लोगों को काम मिल गया, लोगों को आना जाना बहुत हो गया। पहले लोग शामली से मुजफ्फरनगर से पानीपत काम के लिए आते थे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, तो उन्हें दो दो तीन तीन घंटे आने जाने में लगते थे, अब एक से डेढ़ घंटा लगता है कुल। तो बढ़िया हाईवे बनते हैं तो उसकी वजह से डेवलपमेंट भी अच्छी खासी होती है जगह जगह पे। कई लोग पूछते हैं कि भाई एक एक्सप्रेस वे बन जाने से क्या फ़ायदा होता है, तो मैं उन्हें फ़ायदे गिनाना चाहता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा, अगर एक एक्सप्रेस वे बनता है तो उसकी वजह से आपका जो ट्रैवल डिस्टेंस है, टाइमिंग है, जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं आप उसकी जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है। दूसरा, एमरजेंसी सिचुएशन, वॉर, ड्रॉट, अगर कहीं पर जंग हो रही है, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर अकाल पड़ गया, कहीं पर बाढ़ आ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत फ़र्क पड़ता है, आप जल्दी जल्दी पहुँच सकते हैं वहाँ पर। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, आप
का जो व्हीकल का जो फ्यूल एफिशिएंसी होती है उसके अंदर बहुत फर्क पड़ता है, फ्यूल कंजप्शन कम होती है, आसपास का पोल्यूशन बहुत कम होता है। जब बड़े बड़े हाईवे बनते हैं तो क्योंकि व्हीकल एमिशन कम निकलता है इसलिए पोल्यूशन भी कम होता है। आसपास में चार तरीके के बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनते हैं, जिन किसी के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती बिजनेस की, या लोग गरीब होते हैं, या उनके पास आधा या एक एकड़ जमीन आती है उनकी हाईवे के अंदर या हाईवे के साइड में उनका अगर खेत लग जाता है तो उसकी वजह से वो वहाँ पर दुकान कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कोई काम कर सकते हैं, उसको बेच के आगे और कोई काम कर सकते हैं। तो कई तरीके की अपॉर्चुनिटीज बनती है इसके साथ साथ। और जब इस तरीके का हाईवे बनता है तो आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि अगर वो कहीं अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कहीं काम पे जा रहे हैं, तो लोकल एम्प्लॉयमेंट जो होती है, जो लोकल लोग होते हैं उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप देख सकते हैं कैराना बाईपास को, बहुत ही सुंदर कैराना बाईपास, ना जाने और भी कितने अनेकों फायदे होते हैं। आप देख सकते हैं ये पहले काम नहीं हुआ था पर इस बार ये काम भी डन कर दिया गया। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर फिनिशिंग दी गई है। और इस तरफ देखिए प्लॉट वगैरह भी काटे गए हैं, इस तरफ भी लोग बसाए जा रहे हैं। 60 की स्पीड है ट्रक की और इतने की है जी है गाड़ी की भी, गाड़ी की आप 80 मान लीजिए क्योंकि फिलहाल तो काट रखते हैं। देखिए लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन भी लगा दिए हैं कि जमीन बिका हुआ है, तो अब इसके पास आधा एक किला आती है, ठीक है, ये चार भाई होंगे। अब इस जमीन को ये हाईवे के बिल्कुल साइड में लगती हुई है तो आप मान के चलिए 1 करोड़ में तो कम से कम ये जाएगा ही जाएगा, 1 करोड़ में या 90 लाख में जाएगा। तो चार भाई ये मिल के पानीपत जैसे शहर के अंदर या इस कैराना के अंदर 15-15, 20-20 लाख में अपना अपना एक मकान बना सकते हैं, तो इस वजह से बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि सरकारी एम्प्लॉयमेंट नहीं है पर प्राइवेट की पानीपत में कोई कमी नहीं है, 7-8 हजार के अंदर आपको नौकरी मजे में मिल जाएगी। क्योंकि देखिए अभी फिलहाल पूरी दुनिया भर में मंदी चल रही है, उसका असर हिंदुस्तान पे भी है, पर काफी हद तक लोगों को नौकरियां है। हालांकि मालिकों के काम भी नहीं है पर फिर भी लोगों ने नहीं निकाला, लोगों अब भी उन्होंने रख रखे हैं, काम चल रहा है उनका। ये देखिए ये वो रोड है जो सीधा आपको करनाल शामली हाईवे पे जोड़ देगी। करनाल यहाँ से 42 किलोमीटर और सहारनपुर यहाँ से 87 किलोमीटर इस रोड पर। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नजारा है। एक तो ये मौसम ही ऐसा हुआ पड़ा है, आज ज्यादा ठंड भी नहीं, आज 21 या 22 डिग्री टेम्परेचर है तो ज्यादा ठंड भी नहीं कह सकते हम उसे, तो आज एक अच्छा मौसम है। बाकी दिनों की तरह 11 या 12 डिग्री सेल्सियस नहीं है, आज काफी अच्छा मौसम है। तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर कैमरा भी लगा दिया गया है, कैमरा भी लगा दिया गया है यहाँ पे, और आगे पीछे साइन बोर्ड्स जो मार्किंग्स हैं छोटी मोटी वो सारी कर दी गई हैं, तो काम सारा डन कर दिया गया है कैराना बाईपास का, टोटली काम इसका डन हो चुका है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड आ रही है, उसके बाद से ये मेन इसका जो लास्ट वाला था, पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो पूरा कंस्ट्रक्टेड हो गया या नहीं हुआ है वो हालांकि अपने बिल्कुल फाइनल स्टेज में था, 95% से भी ऊपर वाली, पर देखते हैं कि वो हो गया या नहीं हुआ है, उस पे चल के आपको एक राइड देते हैं बढ़िया सी। आप लोग यार एक शिकायत है आप लोगों से, और कोई बात नहीं, इतने सालों मैंने और कुछ नहीं कहा आपको, आप लोग लाइक बहुत कम देते हो यार, क्या निकल जाएगा, एक भाई को लाइक दे दोगे तो एक लाइक मांगता हूं, एक लाइक दे दो बस।
सपोर्ट कर दो यार भाई, लाइक दे के सपोर्ट कर दो मेरे को, और भी किसी चीज का सपोर्ट मैं आपसे नहीं मांगता, एक लाइक दे के सपोर्ट कर दो भाई को। तो दोस्तों वो आ गया है शायद से मेन हाईवे, वो लास्ट पैच है इस कैराना बाईपास का, बिल्कुल लास्ट पैच, वहां से आपको दिखाता हूँ कितना काम हो गया और कितना नहीं। चलिए दोस्तों ये कैराना सिटी, मतलब इस साइन बोर्ड का मतलब कि आपको साइड से सर्विस रोड से होते हुए जाना पड़ेगा और फिर आप इस तरफ पहुंच जाएंगे राइट हैंड साइड पे, पर हमें तो आपको ये दिखाना है, उसके बाद हम कैराना शहर में जाएंगे। तो आपको दिखा देता हूं मैं, ये जो इस तरीके के बेवकूफ अभी यहां से इस रोड पे अपोजिट डायरेक्शन में गया था, इस तरीके के बेवकूफों से बचिए, अगर ये नीचे आ जाएगा तो भी इल्जाम आप पे ही आएगा कि आप लोग गलत डायरेक्शन में चल रहे थे, आपने इसे नहीं देखा। तो ऐसे बेवकूफों से बचिए। ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड आ गई और फिर वो स्कूल आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे ही हमारे, और ये बाईपास डन कर दिया गया है कैराना बाईपास का, आखिरी पॉइंट आखिरी फ्लाईओवर ये बिल्कुल कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत कंस्ट्रक्शन अपडेट हमें दी गई है। नीचे वाली सर्विस रोड पे भी अच्छा ट्रैफिक है, और ये आप देख सकते हैं ये स्कूल आ गया हमारा गोल्ड कीज पब्लिक स्कूल। इस स्कूल का पोर्शन पहले हाईवे जहां बना हुआ वहां पर आता था, फिर इसे तोड़ा गया, अब ये स्कूल इस स्ट्रक्चर में ऐसे ही शेप में आ गया, वरना ये स्कूल मतलब बॉक्स की शेप में था, अब ये ऐसी शेप में आ गया, ट्रायंगल की सी शेप में। मिट्टी का काम अभी अभी किया गया है, या शायद से यहाँ पौधों का काम अभी अभी किया गया है, मिट्टी डाल के बढ़िया। तो ये बेहद खूबसूरत काम करा जा रहा है यहाँ पे। शामली बाईपास की अपडेट आपको मैं जल्दी ही दूंगा।